बहुत सारे लोग प्रोटीन के बारे में सजेशंस देते हैं, वो बोलते हैं कि आप नट्स ले लीजिए, आप बेसन का चिल्ला ले लीजिए, आप पल्सेस ले लीजिए या स्प्राउट्स ले लीजिए। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सब के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक कटोरी दाल, इसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन होता है। और ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के तहत हर एक इंसान को ब्रेकफास्ट में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, और आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट आपके वजन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जितना किलो आपका वजन है उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अगर आपको फिट रहना है तो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेने के बाद उनको हैवी फील होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको चेक करना है कि आपका प्रोटीन का सोर्स क्या है। और दुनिया भर के प्रोटीन को अगर उनकी क्वालिटी वाइज रैंक किया जाए तो उनकी रैंकिंग आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। और मैं पिछले 7 साल से प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मेरा प्रोटीन है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, बिकॉज इट्स प्लांट बेस्ड और इजी टू डाइजेस्ट, और मैं ये हर्बलाइफ से यूज करता हूँ। और मुझे इस 7 सालों में प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं आई है मेरी बॉडी में। आई एम फीलिंग फिट, फाइन एंड लाइट। अगर आप भी प्रोटीन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए मेरे नंबर पर, और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, महेंद्र.रंसीवाला।